बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान, अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। लोग मुश्किलात का शिकार हैं तो कोशिश करें, अल्लाह ताला ने आपको जितने रिसोर्सेज दिए हुए हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी जिंदगी पहले से कुछ बेहतर हो सके और सोसाइटी में कुछ आपकी कंट्रीब्यूशन हो सके। आज का जो शो है दैट इज पावर्ड बाय ज़ेल्टेक्स फार्मास्यूटिकल, जिनका कहना है वी आर शेयरिंग द हेल्थ इक्विटी एंड ट्यूटर मेडिक्स, दे आर सर्विंग दो स्टूडेंट हु आर सर्विंग सफरिंग इन कोविड-19 ड्यूरिंग यूके पेंडेमिक। थैंक यू वेरी मच फॉर द बोथ स्पॉन्सर। और एक खूबसूरत मैसेज कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुकी है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 1166 पे आपका 13 डिजिट का कोड जो है वो एंटर करें विदाउट डैश के और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपके जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको खुदारा वैक्सीनेशन सेंटर लेकर जाएं, जस्ट CNIC प्रेजेंट करें और आपकी वैक्सीनेशन हो जाए। उसका मकसद प्योरली ये है कि इस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो कि मास्क पहने और ग्लव्स पहने हम फिर रहे हैं, इसे जल्द अज जल्द हमारा छुटकारा हो जाए। थैंक यू वेरी मच। और आज का जो शो है दैट इज बेस्ड ऑन व्हाई पैलेस्टाइन इज एन इंटरनेशनल इशू और व्हाई कश्मीर इज अ रीजनल इशू। इसको आज माशाल्लाह से अनफोल्ड करने जा रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आजाद कश्मीर के जो सन है लॉर्ड नजीर अहमद, पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में मशहूर है माशाल्लाह से, अपने नाम से अपने काम से, और पैलेस्टाइन के लिए अपनी जो मोहब्बत है, कश्मीर के लिए जो अपनी मोहब्बत है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। वेलकम करते हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट लॉर्ड नजीर अहमद को अनफोल्ड विद यासिर खान में। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों, फलस्तीन और कश्मीर, और हमारे लिए राइट नाउ, क्योंकि आपने जो गाजा में देखा, जो वेस्ट बैंक में देखा, हर रोज बच्चों के साथ जो जुल्म वहां पे होता है, हमारी बहनों भाइयों के साथ, मस्जिद अक्सा से लेकर गाजा तक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शो है आपका। ऐसे ही कश्मीर के अंदर श्रीनगर में हो या जम्मू में, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो थोड़ा सा अमन है, लेकिन हर जगह पे जुल्म की अंतहा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये शो का टाइम मुझे दिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि बैकग्राउंड अगर हम दे जाएं रिगार्डिंग UNO का जो फेलियर है, रेजोल्यूशन है जनरल असेंबली की रिगार्डिंग पैलेस्टाइन, थोड़ा सा उसको अनफोल्ड कीजिए, बिकॉज आपका बहुत डीप आई है और माशाल्लाह से आपका बड़ा फुटप्रिंट है इधर। यासिर खान साहब, एक्चुअली जो दोनों कश्मीर और फलस्तीन की जो ट्रेजिडी है, वो क्योंकि ब्रिटिश मैंडेट जो था वो 1947 नवंबर में वहाँ फलस्तीन में ख़त्म हुआ और अगस्त में जो है वो कश्मीर में ख़त्म हुआ। दोनों में उन्होंने जो है ये मसला ऐसे ही इसको डिवाइड करके रख दिया। तो जो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस दोनों जगहों पे, एक तो जिसका जिक्र किया जाता है फलस्तीन के हवाले से, वो जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है। वो जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन 181 जो आपको पता है कि ये 29th of November 1947 में ये रेजोल्यूशन जनरल असेंबली ने पास किया। ऐसे ही जो कश्मीर का है वो 13th of August 1948। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं पहले जो है वो फलस्तीन के हवाले से, क्योंकि लोग जो हैं वो उनको याद होगा, क्योंकि ये ऑटोमन एम्पायर को जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब शिकस्त हुई, तो उस वक्त बालफोर डिक्लेरेशन जो है वो मेरे ख्याल में 19 आपको याद होगा कि ये 1917 ये 2nd of November 1917 की बालफोर डिक्लेरेशन है, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जहाँ पे थोड़े से यहूदी थे, सारे फलस्तीनी थे, वहां पे पैलेस्टीनियन स्टेट जो है वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो वो उसके बाद फिर आपने देखा कि पैलेस्टीनियंस को निकालते 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 इलीगल सेटलमेंट्स को चला करते करते करते, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ना, वो यासिर खान साहब वो एक्चुअल तजर्बे की भी है, लेकिन एक्चुअल क्योंकि मेरा हकायक जो जमीनी हकायक है वो मैंने गाजा में
जहाँ पे इस्माइल हनिया की हुकूमत है और खालिद मिशाल जो उनके इंटेलेक्चुअल हेड हैं, उनसे मेरी मुलाकातें एक के साथ सीरिया में, दूसरे के साथ गाजा में, फिर यासर अरफात साहब के साथ मेरी मीटिंग्स वेस्ट बैंक में, जो उनकी लास्ट मीटिंग इंटरनेशनल डेलीगेशन के साथ थी वो 1 सितंबर 2004 में, मुझे उन्होंने बेहतरीन एक फोटो हमारा दोनों का था उसको साइन करके डेट करके दिया था। तो बड़ी यानी अच्छी सियासी डिस्कशंस उनके साथ हुई। तो ये ट्रेजेडीज जो हैं, मैं अगर इसको कंपेयर करूं, एक तो यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन जो जनरल असेंबली का है वो इंप्लीमेंट वो अब बाय फोर्स नहीं कर सकते, वो टॉकिंग शॉप है बेसिकली, वो एक रिकमेंडेशन है। वो जिस तरह लोग ये हमेशा जब भी यूएन में लेके जाते हैं हमारे अरबी भाई, तो इनको तो अरबियों भाइयों को तो जिसको उम्मा कहते हैं आप लोग, अब वो उम्मा को तो इसराइली ज़ायनिस्ट लॉबी और उनके जो सपोर्टर्स वर्ल्ड वाइड में हैं उन्होंने तो डिस्ट्रॉय करके रख दिया। एक तो जो आपकी अरब लीग थी, पहले ये होता था कि फिलिस्तीनियों को जब यासर अरफात लीडर थे उस वक्त कम से कम फिलिस्तीनियों को अरब लीग सपोर्ट करती थी, सारे अरब जो मुसलमान मुल्क हैं वो सारे सपोर्ट करते थे। ये ऐसे ही है जिस तरह नेल्सन मंडेला को ये जो अपार्टाइड के खिलाफ अफ्रीका के जितने ममालक अफ्रीकन यूनियन है वो सपोर्ट करती थी। लेकिन इन्होंने देखा कि ये जो इनकी स्ट्रेंथ है अरब्स की, वो उसको ख़त्म करने के लिए बेहतरीन तरीका है कि अरब लीग को ही डिसफंक्शनल कर दे, उनके आपस में झगड़े करा दे, चाहे वो कद्दाफी हो और वो सद्दाम हुसैन हो या वो सऊदीया हो या इजिप्ट वाले हो, वो अब जो है वो इतने बांटे हुए हैं कि वो आपस में किसी चीज़ के ऊपर इत्तफाक नहीं करते। सेकेंड चीज़, और मैं तजर्बे से बता सकता हूँ, मैं किसी जमाने में लॉर्ड जैनर जो हैं, ग्रेवल जैनर, वो वर्ल्ड ज्यूइश कांग्रेस के डिप्टी चेयरमैन थे और कॉमनवेल्थ ज्यूइश काउंसिल के वो सदर थे, और वो मेरे उस्ताद भी बन गए क्योंकि मैं चाहता था कि अगर इफ आई एम ट्रेन बाय द बेस्ट फिर मुझे कम अज कम तजर्बा तो होगा, मुसलमान तो वहां पे रोल मॉडल थे नहीं। तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि कल ओआईसी में अरब लीग में एक रेजोल्यूशन जो है इसराइल के खिलाफ पेश किया जा रहा, वो लेकिन पास नहीं होगा, और उसका टेक्स्ट अगर तुम देखना चाहते हो तो देख। मैंने कहा कि वो डिस्कस नहीं हुआ और आपके पास किस तरह आ गया। उसने कहा कि वो टूनिसिया में जो हो रहा है वहां हमारा बंदा बैठा है जो उसको लिख के उनको दे रहा है, वो तो खुद भी नहीं लिखते, और वो जो है वो जो है वो पेश किया। तो मुझे इनसाइड वर्किंग का जो है उनका पता है कि वो किस तरह करते रहे। आज तो अरब लीग है नहीं क्योंकि वो सारे जनाब मिस्र वाले जो अरब लीग को चलाते थे, ओआईसी जो सऊदीया वाले चलाते हैं, वो आपस में लड़ लड़ के खत्म हो गया। तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की है। ऐसे ही यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशन जिनका जिक्र हम कश्मीर वाले कहते हैं कि ये जनाब यूएन के रेजोल्यूशंस सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, वो एक्चुअली में वी नीड टू नो, क्योंकि फैक्ट ये है कि वो जो यूएन का रेजोल्यूशन 13th of August 1948, क्योंकि इंडिया जो है वो यूएन में ले गया था पाकिस्तान को और इस मसले को, वो कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान का रेजोल्यूशन है जो सिक्योरिटी काउंसिल के चैप्टर 6 के तहत। ये देखें हमारे जो सियासतदान है ना, मुल्तान में किसी को उठा लें जो आपके बड़े हैं, यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो अगर ले लें ब्रीफिंग के बगैर उनको भी नहीं पता होगा और आजाद कश्मीर वालों को तो बिल्कुल नहीं कि चैप्टर 6 का रेजोल्यूशन कौन है और चैप्टर 7 का कौन सा है। चैप्टर 6 का है बाय नेगोशिएशन, अगर आपको कुछ मिल जाए तो वो कर लें। चैप्टर 7 का है कि जिस तरह आपने इराक के ऊपर रेजोल्यूशन को फोर्स किया था या आपने जिस तरह बाल्कन्स में फोर्स किया था, वो जो है वो हमारे मुसलमानों को, ये ना ही फलस्तीन को ना ही कश्मीर को मिला है। तो ये जो इसकी अथॉरिटी है, इसके पीछे जो पावर है, वो बड़ा जरूरी है कि आपके पास है या नहीं। तो ये ट्रेजेडी है क्योंकि हम एक तो समझते नहीं
और यासर खान साहब, क्योंकि हम पढ़ते कम हैं, बातें बहुत करते हैं और फिर वो लिखते भी कम हैं, जो बहुत सारे हमारे सियासतदान ने, मैं आपको बताऊं, ईरान में मैं गया हूं, वहां पे मेरी मीटिंग्स होती रही, दो दो लोग जो हैं वो मेरे मिनट्स जो हैं उनको लिख रहे होते हैं, क्योंकि बाद में वो ऐसे ही ब्रिटिश और अमेरिकन, यानी जहां भी आप जाएं तो आपकी मीटिंग्स के नोट्स जो हैं दो दो लिखने वाले होते हैं कि अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो उसको कैरी कर लें। हमारे हो नहीं, वो आपने जितनी बातें की हैं वो हवा में उड़ गई और उसके बाद नो एक्शन और नथिंग हैपेंस। और मैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जो इमरान खान हैं, उनको एक दफा उनके साथ झगड़ा भी किया था इसी हवाले से कि उनका एक सेक्रेटरी बैठा हुआ था फोन पे, वो ऐसे कुछ कर रहा था, तो मैंने कहा यार कोई लिखने वाला नहीं है यहाँ पे। मैं अभी ईरान गया हुआ था, उन्होंने दो बंदे बैठाए हुए थे जो मेरे नोट्स लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं ये लिख रहा है। मैंने कहा वो तो उसके ऊपर मोबाइल फोन फेसबुक पे या कहीं किसी को व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, ये लिखने वाले तरीकाकार ही और होता है। exactly, और क्योंकि और मैं नहायत ही ज्यादा एहतराम सारी लीडरशिप जो है वो नवाज शरीफ साहब हों या मोहतरमा जो है वो जीनियस थी, वो क्लेवर थी, उनके साथ जो बात होती थी वो याद रखती थी। लेकिन थोड़ी सी क्योंकि लेडीज होती भी सियानी हैं और मर्द जो हैं थोड़े से यानी गपशप लगा लेते हैं, जरदारी साहब और मेरे बारे में बहुत सारी चीजें पूछते रहते थे जो इनके अपने जाती इंटरेस्ट भी थे, लेकिन इसमें कम लोग जानते हैं। अच्छा सर, एक एक क्वेश्चन आता है, माशाल्लाह से आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर है बहुत सारे कंट्रीज का और पॉलिटिक्स में आपकी कमांड है माशाल्लाह से, ये अगर हम मुस्लिम यूनिटी की बात की जाए, आप मुस्लिम कंट्रीज को यूनाइट करने के लिए भी आपका बहुत रोल रहा है, तो ये जो ओआईसी और अरब लीग है इसका फ्यूचर में कोई रोल देखते हैं? करंट तो ये रुल गई है, रोल से रुल गई है, तो क्या कोई और मुस्लिम यूनिटी बनने जा रही है? नहीं, अभी तो नहीं हो रही है, क्योंकि एक कोशिश थी, अगर आपको याद हो कि मलेशिया में जो मीटिंग हुई थी उसमें पोस्टर छप चुके थे इमरान खान से, लेकिन वो नहीं हो सकी ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसका चांसेस कम है। एक तो एक्चुअल जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो अमेरिका बरतानिया हो, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल इसके इम्प्लीकेशंस भी तो हैं ना, मुसलमान अगर इतिहाद कर लें, यूनाइट हो जाएं, तो दुनिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं तो नहीं समझता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि दुनिया के लिए बेहतरी होगी, लेकिन क्योंकि वो चैलेंज समझते हैं कि मुसलमान अगर इतिहाद कर ले तो फिर उनकी बात कम सुनी जाएगी और वो आपस में जो उनके इंटरेस्ट हैं उस पर बात होगी। तो ये मुश्किल है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मोहम्मद यासर खान साहब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मुस्लिम उम्मा में जो नेचुरल डिवाइड, ये नॉन मुस्लिम्स ने, अंग्रेज ने, यूरोपियंस ने, अमेरिकन्स ने भी सोच लिया है कि जो एक नेचुरल फॉल्ट लाइन है मुसलमानों की वो है शिया सुन्नी, और वो ईरान और सऊदी अरेबिया बेहतरीन जो है वो कैंडिडेट्स हैं इस हवाले से। तो चाहे वो बहरीन में मेजॉरिटी जो है वो शिया है, लेकिन माइनॉरिटी सुन्नी है, रूल जो है उनका है, सीरिया में जो है वो मेजॉरिटी सुन्नी है लेकिन माइनॉरिटी शिया है, तो हुकूमत जो है असद की है, जो अलबाइट्स की है, तो वो जो नेचुरल फॉल्ट लाइंस हैं उनके ऊपर इंटरनेशनल जो प्लेयर, जो मुनाफिक प्लेयर्स हैं, उन्होंने उसको क्रिएट करके उसके अंदर वो बहुत सारा झगड़ा जो है वो करवाया हुआ है। जब तक उसको, उस गैप को शॉर्टन नहीं करते, उस वक्त तक जो है हमारे हालात बेहतर होने बड़े मुश्किल हैं। वेरी राइट। अच्छा, हम देखते हैं कि सपोर्ट पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज के अलावा जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वहां से भी सपोर्ट आती है, अगर स्ट्रीट सपोर्ट की बात की जाए, यूएसए है, यूरोप है, यूएन है, यूके है, तो व्हाट डू यू से, किस तरह की सपोर्ट है और ये एक एक खास लिमिटेशन के अंदर है, इसकी क्या वजह है? देखें, जो सपोर्ट है, दोनों कॉजेस को अलग करें,
जो फिलिस्तीन की सपोर्ट है वो स्ट्रीट पावर बहुत सारी है, स्ट्रीट सपोर्ट बहुत सारी है, क्योंकि जो नाइंसाफियां वहां पे हो रही हैं, ऐसे ही जिस तरह आपने देखा कि अपार्टाइड के खिलाफ एक मूवमेंट थी यूनिवर्सिटीज के अंदर, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज के अंदर और स्ट्रीट्स के अंदर, मैंने आप रोद्रम ये 6,000 मील 5,500 मील दूर है मल्दान से, अगर आप यहाँ पे स्ट्रीट्स में देखें यहाँ पे भी आपको फिलिस्तीन के झंडे कहीं ना कहीं नजर आएंगे। ये पहले कभी नहीं हुआ, कश्मीर का झंडा हम कश्मीरियों के घरों के बाहर भी नहीं है। तो वो एक मूवमेंट जो शुरू हुई कि जुल्म की, और फिर क्योंकि वहां से जो तस्वीरें निकलती हैं, जो वीडियोज, जो वहां की खबरें जो हैं, चाहे वो टावर जो मीडिया टावर है जिसको डिस्ट्रॉय किया गया उसकी, और जो बच्चे वहां पे रो रहे हैं जिनके घरों को तबाह, जिनको बच्चों के लिम्स जो है वो टूटे हुए हैं या ब्लो अप हुए हैं, खून जो बहाया गया है, तो वो तस्वीरें मकबूजा कश्मीर की जो तस्वीरें हैं वो बाहर नहीं आ रही, क्योंकि इवन एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अदारे को भी हिंदुस्तान की फैशिस्ट गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। और इंटरनेशनल आप देखें, जरा सा मसला हो या पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो अहमदिया कम्युनिटी का हो या क्रिश्चियन कम्युनिटी का हो, जनाब दुनिया इवन यूएन जो है वो कंडेम करना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जहां पे मसला बेसिक ह्यूमन राइट्स का और जो मैसेकर्स हो रहे हैं, इसकी कोई खास स्टेटमेंट, विशी-वाशी स्टेटमेंट कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन जो असल स्टेटमेंट, जो एक्शनेबल चीजें हैं वो नहीं होती। तो उसमें एक तो जो यूनिटी मुसलमानों की है वो ओआईसी के अंदर हो या अरब लीग के अंदर, उसमें एफर्ट्स की जरूरत है। ये नहीं कि जब थोड़ा सा गाजा में मसला हो जाए, कश्मीर में मसला हो जाए, तो आप कहेंगे कि हम इत्तेहाद करवाएंगे फिर भूल जाए मूव ऑन। ये एक मसलसल एक कमेटी होनी चाहिए जो स्कॉलर्स की हो, पॉलिटिशियंस की हो, पार्लियामेंटेरियंस की हो, और उनको जनाब ये टास्क दिया जाए ताकि दे कैन ब्रिंग द कंट्रीज टुगेदर, ए प्लेटफॉर्म, यानी सिविल सोसाइटीज को भी, और जो पीपल टू पीपल जो कॉन्टेक्ट है वो भी बड़ा जरूरी है मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करने के लिए और अपनी हुकूमतों को नजदीक लाने के लिए। जब होगा तो उसके बाद जो है, वरना मिरेकल देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक, वो उनकी जो अल्लाह सुभान व तआला ने उनको जो दी थी स्ट्रेंथ दी है, वो हमारे अंदर नहीं है। तो इसलिए वी डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ, लाइक मैं, एंड आई गिव क्रेडिट टू इमरान खान, क्योंकि इमरान खान की नीयत ठीक थी, कोशिश की, लेकिन क्योंकि सच्ची बात तो ये है ना कि जब बंदा मकरूज हो ना, तो फिर आप आंखों में आंखें डाल के आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। और मैं, मुझे पता है क्योंकि मैं बैंक से बोरो करता हूँ, जब मैं बोरो नहीं करता हूँ तो बैंक मैनेजर को मैं कि मैं तुम्हें खाने के लिए ले जाऊंगा या कहीं आओ, जब मुझे पैसों की जरूरत होती है तो बैंक मैनेजर कहता है कि ये अकाउंट्स भी लेके आओ, ये सारी चीजें जो है, वैल्यूएशन भी लेके आओ, ये चीजें लेके आओ और मेरे दफ्तर में फलां टाइम पे आओ। तो ये जो चीज, ये जो डिफरेंसेस है ना, वो आपके स्टेटस की वजह से होती है कि अगर आप पैसे हैं तो आपकी इज्जत, और नहीं है तो आपकी इज्जत लेस। ब्यूटीफुल। अच्छा, जर्मनी जो है या यूरोप की बात की जाए, बहुत ज्यादा सपोर्ट स्ट्रीट पावर में नजर आती है, लेकिन रिलक्टेंसी है इजराइल के खिलाफ स्टैंड लेने की, तो इसकी क्या कोई खास वजह है? जर्मनी जो है वो तो क्योंकि उनके अंदर गिल्ट है जो कुछ नाज़ीज ने किया, और जो एक्चुअल पूरे यूरोप के अंदर वो बार बार आज भी इतने सालों हिटलर के जाने के बाद आज भी किसी ना किसी बहाने पे हर हफ्ते कोई न्यूज रिपोर्ट आ जाती है कि या तो वो जो 60 मिलियन, मैं कल डॉक्टर इसरार साहब की तकरीर सुन रहा था और उन्होंने भी कहा, बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े लायक आदमी थे, और उन्होंने कहा कि जो 60 मिलियन यहूदियों को वहां पे कत्ल किया, 60 मिलियन यहूदी नहीं थे, 60 मिलियन सारे टोटल लोग थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, उसमें मुसलमान भी थे और जनाब मल्तान और गुजरात के भी, और ये
पिंडी के इलाके के भी जो 7.5 लाख हिंदुस्तान की फौज में जो मुसलमान थे और तकरीबन 2-2.5 मिलियन जो हिंदुस्तान के जिसमें सिख और हिंदू भी थे जो लड़ने के लिए गए, उसमें से काफी लोग वो भी थे, बाकी के यानी दुनिया भर के जो लोग वहां पे आके नाज़ीस के खिलाफ लड़े, तो वो लेकिन बार बार ये फिगर्स जो है वो क्रिएट करके वो बताए जाते हैं कि इतने लोग 6 मिलियन ज्यूइश लोग जो है वो जरूर मरे हैं, लेकिन बाकी जो फिगर है वो लेकिन बार बार वो याद दिलवाते हैं, लोगों के अंदर गिल्ट है क्योंकि वो ज़ायनिस्ट लॉबी ये भूलने नहीं देती कि वो यहूदियों के साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी ये फिराउन को भी अभी तक घसीट के ये नहीं सामने लाए कि भाई ये फिराउन ने हमारे साथ ये जुल्म किया था। वैसे तो अल्लाह की तरफ से फिराउन के ऊपर तो एक अजाब है और वो अभी तक बेरियल उसकी नहीं हुई, वो फ्रांस में ही वो रामसेस द सेकंड की लाश वहां पे पड़ी हुई है। वो तो अल्लाह ने कुरान में जो वादा किया था कि इसको कभी वो कब्र नहीं नसीब होगी, लेकिन क्योंकि इसको एक गिल्ट फैक्टर बना के लोगों के सर के ऊपर बैठाया हुआ है कि नोबडी डेयर्स कि वो कहे जी कि इनको जो है वो आप प्रोसिक्यूट करें और इनका आप नोटिस लें। जबरदस्त। अच्छा सर, अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की जाए, इंटरनेशनल रूल एंड रेगुलेशन, तो वो क्या इजराइल या ज्यूज के ऊपर लागू होते हैं, थोड़ा सा लोगों के लिए आसान करें? लागू तो सब पे होते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने वाली जो अथॉरिटीज हैं वो एक तो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो पीछे बैठा होता है, लेकिन एक्चुअली यूएन को वही डायरेक्शंस देता है। यूएन इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क, यूएन की जो अखराजात हैं और जो सारा लॉजिस्टिक्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि अमेरिकन इंटेलिजेंस सर्विसेज उनके सारे कंप्यूटर्स भी जो है वो देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो वहां पे लोग जाते हैं उनकी सारी जो कन्वर्सेशन है वो भी उनको पता है। ये कई बार जो है वो बाहर निकल चुकी हैं ये बातें, तो उनका इन्फ्लुएंस जो है और उसके अंदर, मुझे याद है मेरे एक दोस्त हैं वो मेरे ख्याल में आपके मुल्तान लाहौर के हैं गालबन, और उनके वालिद साहब जो हैं वो थे डिप्लोमेट थे वाशिंगटन डीसी में, बड़े कामयाब हैं, बहुत लोग उनको जानते हैं और मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट को भी, जो बाइडन को वाइस प्रेसिडेंट थे तो उनके घर लंच भी करते रहे हैं कभी कभी। वो दरिया के किनारे के ऊपर बड़ा मकान, उनकी बोट, उनके बड़े लंबगिनी वगैरह गाड़ियाँ भी हैं, तो उनके घर में जब जाता हूं तो वो डिनर करवाते हैं, एक तो मेरे लिए, एक जरदारी साहब के लिए भी उन्होंने करवाया था जहां पे उन्होंने मीटिंग करवाई थी वाइस प्रेसिडेंट के साथ। तो वो जो वहां एक खातून मेरे साथ उन्होंने बिठाई जो कांग्रेस की जो फॉरेन रिलेशन कमेटी है उसकी वो चेयरमैन थी, तो मैंने उससे बात करनी शुरू की, तो बाद में पता चला कि वो एक्चुअल ज्यूइश फेथ की है लेकिन ज़ायनिस्ट पक्की है। उसने कहा कि मेरी जिंदगी का मकसद, मेरा जिंदगी का मकसद सिर्फ ये है कि इसराइल को डिफेंड करना और उसको सपोर्ट करना, इसलिए मैं इलेक्ट हुई, इसलिए मैं फॉरेन रिलेशन कमेटी पे गई, इसलिए मैं उस कमेटी की चेयर बनी ताकि उनके इंटरेस्ट जो है वो उसको किया जाए। तो वो एक सिस्टमैटिक तरीका है जिस तरीके से वो इसराइल को लॉबी करते हैं, सपोर्ट करते हैं चाहे जाए। और फिर क्योंकि अब तो जो ज़ायनिस्ट क्रिश्चियंस भी आ गए हैं सामने, ज़ायनिस्ट क्रिश्चियंस जो हैं वो अलग सपोर्ट करते हैं ज़ायनिस्ट, बल्कि ज्यूइश तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसराइल को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आजकल, जो कह रहे हैं कि ये जो है ये जुल्म है, इस तरह जस्टिस फॉर ज्यूज फॉर जस्टिस जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह है, लेकिन क्योंकि गिल्ट फैक्टर जो है उसकी वजह से ये करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा सर, एक चीज पे गाइड कीजिए कि हमारे जो मुसलमान है या मुस्लिम कम्युनिटी है वो इतनी तगड़ी नहीं है, अगर ज्यूज की बात की जाए तो पॉलिटिक्स में भी वो बिल्कुल टॉप स्टैंड करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, अगर हम बिजनेस की बात की जाए या फाइनेंशियल गेम्स की बात की जाए तो उसमें भी टॉप लीड पर है, तो किस तरह कम्पीट करेंगे? बिकॉज आपका लेवल सेम होगा तो आप बात कर सकते हैं, जैसे अभी आपने बैंक मैनेजर वाली बात की, तो ये किस तरह और क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है कि हम
यूनिटी भी ले हैं और अपने जो इशू है उसको डिफेंड भी कर सकें। यासर खान साहब देखें, ये बहुत सारे इश्यूज आपने एकदम वो रेज किए हैं। एक तो ये है कि जो हमारे भाई हैं ना अरब भाई, जिनको अल्लाह सुभान तआला ने, और उनको एक्चुअली उनकी पकड़ बड़ी सख्त होगी क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन बख्श रब्बिकल शदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। उनको जिनको तेल बिलियंस एंड बिलियंस का तेल दिया, वो तो सफेद कैमल्स जो हैं उनके ऊपर उन्होंने टीवी प्रोग्राम रखा हुआ है जहाँ पे वो सारा दिन आप ऊंट को देख देख के खुश होते रहे हैं कि कितने हैं, या ब्लॉन्ड खातूनें जो हैं वो वेस्टर्न कितनी खूबसूरत हैं। वो जहाँ पे पैसा खर्च होना था चाहिए था, इन्वेस्ट होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। जो हमारी मुसलमान कम्युनिटीज वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर हैं, वो नई कम्युनिटीज हैं, उनका अभी तक वो इस तरीके से एस्टैब्लिश। देखें, मैं 22 साल पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बना, सरवर साहब जो हैं वो 6 महीने पहले, 1 साल पहले वो इलेक्ट हुए थे हाउस ऑफ कॉमन्स में। आज अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 25-30 लोग जो हैं दोनों हाउसेज में, लेकिन एक फिर ड्रिफ्ट आ गई है। जो नए लोग, जो नए बच्चे बने हैं, वो ज्यादा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करते हैं, इस तरह के वो हैं ब्रिटिश और यहाँ ही रहेंगे और उनका इंटरेस्ट भी ब्रिटिश ही है। मसलन कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो, बल्कि एक तो अहमदिया कम्युनिटी से हैं, वो गए हैं और वो बल्कि इसराइल को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो आजकल थोड़े से डाउटफुल हैं कि वो कहाँ पे जाना चाहते हैं, वो बल्कि हैं भी गए। तो इस तरह लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर डटे हुए हैं, जिस तरह बर्नस बारसी हैं, अफजल खान हैं, इस तरह नाज शाह हैं, इन्होंने बड़ी जबरदस्त तकरीरें भी की और कैंपेनिंग भी की। कुछ लोग वो मेहनत करते हैं, कुछ लोग जो है वो इस मसले में नहीं पढ़ना चाहते, चाहे वो कश्मीर का मसला हो या चाहे वो फलस्तीन का मसला हो। वेरी राइट। अच्छा, अगर थोड़ा सा हम जो सेकंड पार्ट है, कश्मीर इज अ रीजनल इशू, तो इसमें कहाँ गड़बड़ हुई है कि ये रीजनल इशू बन गया? रीजनल से भी अभी ये नीचे चला गया। दो इमरान खान बीइंग एम्बेसडर ऑफ कश्मीर हर जगह इसका चर्चा भी करते हैं, हर जगह बात भी करते हैं, तो कहाँ लैकिंग हो रही है जो हम इसको वैसे प्लीड नहीं कर पा रहे? देखिए, इमरान खान की फॉल्ट नहीं है ये, जो ओवर डेकेड्स जो पॉलिसी होती है और उसमें सारे लोग जो हैं वो जिम्मेदार हैं। क्योंकि एक वजह तो ये है कि जब चाहे वो लाहौर डिक्लेरेशन हो मियां साहब और वाजपेयी साहब के दरमियान, चाहे वो जो मोदी फैशिस्ट जो है उसको लाहौर दावत दी गई हो शादी के ऊपर आने के लिए, तो जब ये ऐसे हालात पैदा होते हैं तो गवर्नमेंट्स बैक ऑफ हो जाती है। वो कैंपेन वो अपनी तसलसल नहीं रखते कि हिंदुस्तान को एक्सपोज किया जाए, उनकी जो फैशिज्म, उनका जो जुल्म है, जो उनकी जो वो, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करता। वो सामने वो डायलॉग की बात करते हैं, वो टॉक्स की बात करते हैं, और पीछे उनके हाथ में छुरा होता है और वो उसको लेट ऑफ नहीं करते। तो यानी अगर आप देखें तो फर्क ये है कि जब भी हिंदुस्तान थोड़ा सा मुस्कुराहट दे के पाकिस्तान को बुलाए तो पाकिस्तान वाले कुछ लोग जो हैं वो प्रेशर डालते हैं कश्मीरियों के ऊपर भी, और जो लोग हिंदुस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई आप ना करें, हट जाएं, ये पाकिस्तान के नैरेटिव के खिलाफ वर्जी है, आप ना बोलें, चुप कर जाएं, इसको साइडलाइन पे कर दें, मीडिया को कह देंगे कि भाई इस आदमी को टीवी पे ना लाएं क्योंकि ये जो है हमारे हालात खराब करना चाहता है। होना ये चाहिए कि ये एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए, जहाँ पे जुल्म हो रहा है उसको एक्सपोज किया जाए, और जहाँ पे हिंदुत्व आरएसएस बीजेपी जो फैशिस्ट मूवमेंट्स हैं उनको एक्सपोज करने के लिए एक तसलसल होना चाहिए। अगर वो हो तो वो जाहिर है इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग जो है उसके ऊपर कुछ क्रेडिबिलिटी पैदा हो और लोग उसको सपोर्ट कर सके। ब्यूटीफुल। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में जो कश्मीर कमेटी है जिसको शहरियार अफरीदी लीड भी कर रहे हैं, तो आप कहाँ कितना रोल देखते हैं इसका और कितनी एफर्ट्स अब तक हो चुकी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे?
देखिए ये कश्मीर नेशनल जो असेंबली की कमेटी है ये एक नहीं है, मेरे ख्याल में दो तीन हैं। ये एक है, ये एक सियासी प्लेटफॉर्म है। तो पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, वो बेसिकली जो है बहुत अच्छे और बहुत ही समझदार सियासतदान हैं, लेकिन वो इसको अपने TADA और अपने स्टैचर के लिए करते रहे। तो शेरयार खान साहब भी अभी नए हैं और मेरे ख्याल में वो फुल स्विंग में नहीं आए जिस तरह कश्मीर कमेटी को होना चाहिए था। देखें कश्मीर कमेटी जो है नेशनल असेंबली, वहां पे दो आदमी अडॉप्ट कर लें यार, आप उनको कॉप्ट कर लें जो कश्मीरी हैं और आपको बता सकें, जब एक ओवरसीज से रख लें, एक आजाद कश्मीर से, जो आपको एक मकबूजा कश्मीर से रख लें ताकि आपको ब्रीफिंग देते, वो नहीं बाय द वे जो आपकी चूड़ियां खाएं और आपकी जो है वो नारे लगाएं, वो exactly. लोग जो आपको असल ब्रीफिंग दे कि वहां पे क्या हो रहा है। तो सो एक्चुअल कोई चेंजेस इस तरह की नहीं आई। मैं तो समझता हूं कि इमरान खान साहब अगर आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनको एक स्पेशल एनवॉय रखना चाहिए कश्मीर के ऊपर। मैं समझता हूं कि जब तक आप इसको उस लेवल तक नहीं ले जा सकते उस वक्त तक मसला कश्मीर इंटरनेशनल नहीं हो सकता। यासर अराफात भी जो है वो तो इंटरनेशनल लेवल के लीडर थे और लेकिन इवन जो दूसरे लीडर अब्बास जो है वो मैं नहीं समझता हूं कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर का लीडर है। वो नहीं है। इस्माइल हनिया वो दूसरा, खालिद मिशाल जो है वो अरब वर्ल्ड के अंदर वो पावरफुल है, इनको पहले ही बदनाम कर दिया वेस्टर्न सोसाइटीज ने, स्पेशली अमेरिका ने, क्योंकि टेररिस्ट कह के इनकी आप तकरीरें नहीं सुन सकते हैं। लेकिन कश्मीरी लीडरशिप एक आवाज होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं है कि हमारा लीडर यासीन मलिक है या सैयद अली गिलानी साहब है, मीरवाइज साहब है, बैरिस्टर सुल्तान है, राजा फारूक हैदर है, या जो कोई और मिरासी है या कोई और है। तो डिवाइड है। तो आपने आधे घंटे का कहा था, ये तो 45 मिनट्स हो गए हैं तकरीबन, ये 30 मिनट्स हुए हैं, 30 मिनट्स जस्ट लास्ट 1 मिनट है। अच्छा ये इंडिया और इसराइल की कोई रिजेम्बलेंस है, दोनों की ऑक्युपेंसी है, एक की पैलेस्टाइन पर और एक की कश्मीर पर, तो थोड़ा सा इसके ऊपर जी बिल्कुल बिल्कुल है। दोनों ऑक्युपायर्स हैं, दोनों इलीगल सेटलमेंट्स कर रहे हैं, दोनों लोकल जो आबादी है उसको ड्राइव आउट कर रहे हैं, दोनों डेमोग्राफिक चेंजेस के चक्कर में हैं, दोनों जो हैं वो लैंड ग्रैबिंग में हैं, और दोनों एक्चुअली आपस में मिलके ये जो पॉलिसीज हैं वो बनाते हैं। तो उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन है। मुझे पता है कि इसराइली जो इंटेलिजेंस सर्विसेज मुसाद के लोग और वहाँ के जो मिलिट्री लीडरशिप है वो मकबूजा कश्मीर में भी जाते हैं, वहाँ पे हिंदुस्तानी फौज को जो है वो ट्रेन करते हैं। ऐसे ही मोदी साहब भी उनके पाँव में जाके घिर के नेतन्याहू के पाँव के ऊपर बैठ के वो उनकी बातें सुनते हैं। तो इनके अंदर कोऑर्डिनेशन है। चाहिए तो ये मैंने यासर अरफात साहब को भी कहा था, मैंने कहा मैं जवान जब हुआ यूनिवर्सिटीज में, मैं कॉलेज में जब प्रेसिडेंट था उस वक्त से लेकर मैं आज तक जो है वो फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करता हूं, लेकिन आपने कश्मीरियों की सपोर्ट उस तरीके से नहीं की जिस तरह हम चाहते थे। तो वो एक लंबी एक और कहानी है, वो नेक्स्ट प्रोग्राम में चलो बताएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हल करनी चाहिए हमें। ब्यूटीफुल, तहे दिल से लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने खूबसूरत तरीके से जो एक इंटरनेशनल इशू है और एक रीजनल इशू जो कि इंटरनेशनल है उसको आपने अनकवर किया, अनफोल्ड किया, और बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अल्लाह ताला मोर पावर दे, मोर स्ट्रेंथ दे, जिस तरह आप दोनों इशूज के लिए खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं, रिगार्डलेस आपका पॉलिटिकल कैरियर कहाँ जाएगा, रिगार्डलेस आपकी हेल्थ कहाँ जाएगी, माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको उसी तरह तरक्की दे, कामयाबी दे और मोर स्ट्रेंथ दे।
तहे दिल से शुक्रिया जिन लोगों ने प्रोग्राम को देखा या बाद में देखेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको कोविड जैसी वबा से महफूज रखे, वैक्सीनेशन करवाएं और अनफोल्ड विद यासिर खान शो को करने का मकसद यही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी जेम्स और सक्सेस स्टोरी रखने वाले लोग हैं उनको आपके साथ शेयर करके सोसाइटीज और इंटरनेशनल वो इशूज जिनके ऊपर बात नहीं होती या लोग बात नहीं करना चाहते उनके ऊपर बात की जाए ताकि लोगों के सामने सोल्यूशन और इन्फॉर्मेशन रखी जाए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।